सिविक्स बुक में तो लिखा है कि सबके लिए बेसिक राइट सेम होते हैं, फिर मम्मी को क्यों नहीं है? ये कौन है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, पर इनकी लाइफ हमसे इतनी अलग क्यों है ये जानना ज़रूरी है। इस समाज में जीने के लिए इन्होंने कई तरीक़ों से पैसे कमाए हैं, पर आज तक जो चीज़ नहीं कमा पाए वो है इज़्ज़त। ये कहानी है लक्ष्मी बॉम्ब की, नाम से लक्ष्मी और काम से धमाका। एक हॉन्टेड प्लॉट से शुरू होती ये कहानी, जितनी राघव की है उतनी ही लक्ष्मी की भी। राघव एक कैमरामैन है जिन्हें भूतों से बहुत डर लगता है, पर वो एक अच्छे इंसान हैं, खुश हैं और अपने परिवार के चहेते भी। उनसे उलट लक्ष्मी की कहानी इतनी सिंपल नहीं है। उनका एक लड़के होकर भी बचपन से लड़कियों के शौक, सोसाइटी के भद्दे आरोप और अंत में एक किन्नर बनने तक का सफ़र बहुत ही दर्दनीय है, पर वो अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। एक बेटी, उसे डॉक्टर बनाने का सपना और गरीबों के लिए फ्री हॉस्पिटल बनाने की इच्छा, पर कभी कभी लोगों को दूसरों की खुशियाँ हजम नहीं होती और वो कुछ इतना घिनौना कर जाते हैं कि मानवता को भी शर्म आ जाए। पर कहानी तो अब शुरू होती है। राघव और लक्ष्मी का मिलना कितना खौफनाक होगा वो देखने लायक होगा। लक्ष्मी बॉम्ब एक हॉरर कॉमेडी है जो 2011 में आई सुपरहिट तमिल फिल्म मुन्नी टू कंचना का हिंदी रीमेक है। डायरेक्टर सेम है इसलिए मूवी के अच्छे होने की गारंटी भी है। राघव का किरदार बड़े पर्दे पर निभा रहे हैं अक्षय कुमार और उनकी लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाई देंगी कियारा आडवाणी। इनके अलावा तुषार कपूर, तरुण अरोड़ा और मुस्कान खूब चंदानी भी इस मूवी में दिखाई देंगी। होमोफोबिया, इल्लीगल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसजेंडर इनइक्वालिटी और कई सारे सोशल प्रॉब्लम्स को कॉमेडी के साथ डिस्कस कर रहा है ये फिल्म काफ़ी रोमांचक लग रहा है। पोजीशन ऑफ ह्यूमन बॉडी पे कई मूवीज बनी हैं, पर यह मूवी उन सबसे काफ़ी अलग है। कंचना में लीड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का काम एक साथ कर चुके राघव लॉरेंस से हमें बहुत उम्मीदें हैं। COVID-19 के खौफ के कारण 5 जून को रिलीज होने वाली ये मूवी फाइनली डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दिखाई देगी। इस मूवी का मेन स्टे है अक्षय का ट्रांसजेंडर लुक और उनके कॉमेडी स्पेल्स। अक्षय भूल भुलैया में पहले भी ऐसे जॉनर में काम कर चुके हैं, इसलिए उनके सक्सेस की भी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। अक्षय सोशल मैसेज वाली फिल्में देने में माहिर हैं और उम्मीद है कि वो इस बार भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। होपफुली मैंने ज़्यादा स्पॉयलर्स नहीं दिए, पर कहानी आपके सोच से बहुत ही अलग होने वाली है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और प्रीव्यू के साथ।